लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। बिहार शीतलहर की चपेट में है, लेकिन सियासत में उतनी ही गर्माहट आ गई है। दिल्ली से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। राबड़ी आवास में आज महागठबंधन नेताओं की बैठक हुई। नीतीश सरकार पर सीधा हमला किया गया। नवनिर्वाचित एमएलसी शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने ली शपथ। किसानों के समर्थन में उपवास पर बैठे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बेल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। भोजपुर में कोहरे ने ले ली दो युवकों की जान। साथ में जिलों की कई जरूरी खबरें भी बताएंगे। अब खबरें विस्तार से। अभी पूरे देश में किसान आंदोलन छाया हुआ है। तीनों नए कृषि बिलों के विरोध में बिहार की सियासत भी गर्म है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को महागठबंधन के नेतृत्व में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस समेत वाम दलों ने जिला स्तर पर इसकी तैयारी की है। आपको बता दें कि कल दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक मानव श्रृंखला आयोजित होगी। कल की प्रस्तावित मानव श्रृंखला को लेकर आज राबड़ी आवास पर महागठबंधन नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरजेडी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पूर्व मंत्री श्याम रजक उपस्थित हुए। कांग्रेस की ओर से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई की ओर से प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे, सीपीएम की ओर से प्रदेश सचिव अवधेश कुमार तथा सीपीआई माले की ओर से धीरेन्द्र झा भी बैठक में शामिल हुए। उपस्थित नेताओं ने नए कृषि बिलों को काला कानून बताया। दूसरी ओर नए कृषि बिलों के विरोध में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उपवास पर बैठे। कहा केंद्र सरकार तीनों कृषि बिलों को जल्द रद्द करे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। वे आम जनता से बिल्कुल कट गए हैं। तेजस्वी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा नीतीश कुमार का बस एक ही अभियान है, जोड़ तोड़ करना और किसी भी प्रकार से कुर्सी को बचाए रखना। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर चुप्पी साध रखी है। बिहार सरकार कॉन्फिडेंस में नहीं है, पूरी तरह से लोग कॉन्फिडेंस में आ गई है। नवनिर्वाचित एमएलसी शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने आज बिहार विधान परिषद में पद व गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत एनडीए के कई मंत्री, विधायक व एमएलसी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी बीजेपी कोटे से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के बाद दोनों सीटें खाली हुई थी। सुशील मोदी राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं, जबकि विनोद नारायण झा विधायक बन गए हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव को अभी बेल के लिए और इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में यह सुनवाई की गई, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांग लिया। कोर्ट ने सीबीआई को 5 फरवरी तक का वक्त दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई 5 फरवरी को होने जा रही है। आपको बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में जमानत पहले ही मिल चुकी है। चौथा मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी का है, जिसमें जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। यदि इस मामले में भी जमानत मिल जाती है तो लालू के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता के निधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी दुखी हैं। अंतिम दर्शन को मुख्यमंत्री आज उनके पटना में बैंक रोड स्थित आवास पर पहुंचे और दिवंगत शैवाल गुप्ता के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। उनके परिजनों से भी मिले। पीड़ित परिवार वालों को ढांढस बंधाया। कहा शैवाल गुप्ता को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं थी, उनका इलाज चल रहा था,
इसके बाद भी वे अपने काम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते थे। उनकी यह खास बात थी। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी समेत अन्य गणमान्य भी वहां पर उपस्थित थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में शुमार बिहार की पहचान डॉक्टर शैवाल गुप्ता का शुक्रवार को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। घाट पर शस्त्रों द्वारा सलामी दी गई। इकलौती बेटी डॉक्टर स्मिता गुप्ता ने जब मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद सबों की आंखें डबडबा गई। शोक की इस बेला में घाट पर पत्नी डॉक्टर उषासी गुप्ता, दामाद सौरभ चक्रवर्ती, नतनी अद्रिका समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इसके पहले स्वर्गीय शैवाल गुप्ता का पार्थिव शरीर बैंक रोड स्थित आवास से निकलकर सीधे गुलबी घाट पर ले जाया गया। बिहार में अभी जबरदस्त ढंग से कोहरा पड़ रहा है, ऐसे में लोगों को संभल कर गाड़ी ड्राइव करने की जरूरत है। नहीं संभले तो अनहोनी से कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। ताजा मामला आरा सासाराम रोड का है। आरा में डॉक्टर की बेटी की बर्थडे पार्टी थी। पार्टी एंजॉय कर गढ़नी निवासी कुणाल सिंह और गौरी शंकर नाम के दो युवक घर लौट रहे थे। इसी दौरान देर रात उनकी कार रास्ते में खड़े कंटेनर से टकरा गई। कोहरे की वजह से कंटेनर नहीं दिखा। एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इस मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के विरोध में आज आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क को जाम किया, आगजनी भी की। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खत्म हुआ। पटना में कोल्ड डे जैसे हालात हैं। बर्फीली हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है। कोहरा भी छटने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को सुबह 9 बजे का तापमान 7 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने भी पटना में कोल्ड डे की चेतावनी दी है। आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में यह स्थिति 30 जनवरी तक बनी रहेगी। इस दौरान मौसम सर्द होने के साथ साथ घना कोहरा छाया रहेगा। 31 जनवरी को हिमालय क्षेत्र से आने वाली हवा का असर पटना, गया सहित बिहार के 13 जिलों में दिखाई देगा। इसके बाद ही राहत की उम्मीद है। मुंगेर में उस समय सनसनी मच गई जब शिकारी ने नीलगाय के बदले युवक का ही शिकार कर लिया। पूरा मामला दियारा इलाके का है। नीलगाय को मारने के विरोध में युवक ने जैसे ही अपना मुंह खोला, शिकारी ने उसके मुंह में गोली मार दी। मृतक की पहचान खगड़िया के गोगरी गांव निवासी विजय यादव के रूप में की गई है। घटना के वक्त वह भैंस चराने के लिए गया था। मुथुट फाइनेंस लूट मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कांटी थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस बरामद हुए हैं। बाइक जब्त भी की गई है। दूसरी ओर अहियारपुर थाने की पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूट मामले में अर्जुन सहनी को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के पेट्रोल पंप कर्मी से पिछले दिनों 26 लाख की लूट हुई थी। एसएसपी जयंत कांत के अनुसार कटरा थाना क्षेत्र से भी दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।